भारत में उगाए जा रहे विदेशी फलों में कीवी कीवी फार्मिंग का काफी नाम है, जिसके फायदों से देश का बच्चा बच्चा वाकिफ है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर कीवी में विटामिन सी, विटामिन ई, फाइबर, पोटेशियम, कॉपर और सोडियम जैसे गुण हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ कीवी पाए जाते हैं, जिससे इम्यूनिटी मजबूत होती है। बीमारियों के बढ़ते दौर में इस फल की मांग, मार्केट डिमांड ऑफ कीवी भी काफी बढ़ गई है। यही कारण है कि ऊंचे दाम होने के बावजूद बाजार में ये फल हाथों हाथ बिक जाता है। कुछ समय पहले तक भारत में कीवी का आयात किया जाता था, लेकिन आज भारत के कई किसान कम लागत में कीवी की खेती कमर्शियल फार्मिंग ऑफ कीवी करके लाखों की आमदनी अर्जित कर रहे हैं। इन राज्यों में उगाई कीवी वैसे तो कीवी की जड़ें चीन से जुड़ी है, लेकिन भारत में इसकी खपत ज्यादा है। यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नागालैंड, केरल, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय आदि राज्यों के किसान बड़े पैमाने पर कीवी की बागवानी कर रहे हैं। आज के समय में किसान सेब की खेती से ज्यादा कीवी के फलों से मोटा पैसा कमा रहे हैं। ये है उन्नत प्रजातियां। वैसे तो दुनिया भर में कीवी की सैकड़ों किस्में पाई जाती है, लेकिन भारत की जलवायु के लिहाज से हेवर, एबॉट, एलिसन, मॉन्टी, कुमिवी और बुरनो आदि किस्में किसानों की पहली पसंद बन चुकी हैं। खेत की तैयारी। कीवी की खेती सर्दियों के मौसम में की जाती है, जिसके लिए जनवरी के मौसम में पौधों की रोपाई का काम किया जाता है। कीवी के बागों से अच्छा उत्पादन देने में अच्छी जल निकासी वाली गहरी उपजाऊ बलुई रेतीली दोमट मिट्टी सबसे ज्यादा फायदेमंद रहती है। किसान चाहे तो बडिंग विधि, ग्राफ्टिंग विधि या लेयरिंग विधि की मदद से पौधों की रोपाई का काम कर सकते हैं। उससे पहले गड्ढों में बालू, सड़ी खाद, मिट्टी, लकड़ी का बुरादा और कोयले का चूरा आदि 2:1:1 के अनुपात में जरूरी डालें। सिंचाई और देखभाल। वैसे तो कीवी के बागों को अधिक देखभाल की जरूरत नहीं होती, लेकिन बागों के प्रबंधन कार्य समय से करना फायदेमंद रहता है। खासकर गर्मियों में कीवी के बागों की बढ़वार के लिए 10 से 15 दिन के बीच ड्रिप सिंचाई के जरिए पानी देना चाहिए। सितंबर और अक्टूबर के बीच फल पकने की अवस्था में भी हल्की सिंचाई करने की सलाह दी जाती है। अक्सर गर्मियों के मौसम में कीवी के बाग जड़ गलन, कालर डॉट, क्राउन डॉट आदि रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है। ऐसा पेड़ की जड़ों में पानी भरने के कारण मिट्टी में फफूंद के कारण होता है। इनकी रोकथाम के लिए जल निकासी की व्यवस्था करें और प्रभावित स्थानों पर जैविक कीटनाशक और जीवाणुनाशक दवाओं का छिड़काव करें। कीवी की खेती से आमदनी। नए बागों की रोपाई के बाद कीवी के पौधे 4 से 5 साल में फल देने लायक हो जाते हैं, लेकिन इसकी व्यावसायिक खेती कमर्शियल फार्मिंग कीवी करने पर 6 से 7 सालों में फल मिलना शुरू हो जाते हैं। बाजार में बेचने के लिए सबसे पहले बड़े फलों की तुराई की जाती है और सही पैकेजिंग, हार्वेस्टिंग और पैकेजिंग ऑफ फ्रूट्स करके बाजार तक पहुंचाए जाते हैं। बता दें कि फलों को कठोर अवस्था में तोड़ा जाता है, जिससे बाजार पहुंचने तक ये फल नम या खराब ना हो। बाजार में कीवी के फलों को 20 रुपए प्रति फल से लेकर 35 रुपए प्रति नग के भाव पर बेचा, मार्केटिंग ऑफ कीवी जाता है। इस प्रकार किसान भाई सिर्फ 2 एकड़ जमीन पर कीवी उगाकर सालों साल लाखों की आमदनी, इनकम फ्रॉम कीवी फार्मिंग ले सकते हैं।